जम्मू कश्मीर के बाद एक बड़ी खबर बंगाल से। बंगाल में लोकसभा चुनाव से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब सिस्टम की लड़ाई बनती जा रही है, जहां एक तरफ जूनियर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना से मेडिकल एसोसिएशन में गुस्सा है। बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब देश के अन्य हिस्सों में भी दिखना शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल जारी कर दी है, जिसका असर एम्स जैसे बड़े अस्पताल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुंबई में भी डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कई शहरों, राज्यों और अस्पतालों में इसका असर देखने को मिल रहा है। मरीज परेशान हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री से मामले को लेकर मुलाकात कर अपनी सुरक्षा की मांग अब करेंगे। तो देश भर में डॉक्टरों में गुस्सा है, जहां मरीजों के परिजनों द्वारा अक्सर डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती है और जो मरीजों के जीवन की रक्षा करते हैं डॉक्टर, वे खुद अपनी सुरक्षा के लिए अब मांग कर रहे हैं डॉक्टरों के समर्थन में। जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में अब अलग अलग राज्यों के डॉक्टर्स भी आए हैं। कई अस्पतालों में ये प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है, जहां उनकी मांग है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। हम आपको दिल्ली के एम्स और सफदरजंग की दो अलग अलग तस्वीरें अब दिखाएंगे, जहां डॉक्टर्स ने काम ठप कर रखा है। इलाज के बगैर मरीजों का भी हाल बुरा है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ये दो तस्वीरें देखिए दिल्ली के एम्स और सफदरजंग की, जहां लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है। एम्स सफदरजंग ऐसे अस्पताल हैं दिल्ली के, जहां लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं। तकरीबन रोजाना 10,000 लोग एम्स में इलाज के लिए आते हैं, और ऐसे में दोनों अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने रूटीन स्वास्थ्य सेवाओं का बायकॉट करने का ऐलान कर रखा है। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से ये भी कहा गया है कि डॉक्टर झूठे वादों से अब तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अंदर अब काफी गुस्सा है। हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए घंटों बिना थके काम करते हैं, लेकिन आज हमारा ही जीवन खतरे में है। ऐसे वातावरण में हम कैसे काम कर सकते हैं? ये शिकायत है डॉक्टरों की। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर हैं तो मरीज परेशान हैं। सुबह से ही जहां लाइनें लग जाती हैं, दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में नए मरीजों के ओपीडी के रजिस्ट्रेशन अब बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पुराने मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उन्हें इस हड़ताल से काफी दिक्कतें हो रही हैं। I feel very sorry to say that I am stopping my elective duties today. So, but we are in a great pain because these things are repeatedly happening, and the government is failed to give us a protection, special acts, so that we could safely work in our first home. Because we would be spending more of the time in our hospital rather than in our home, and we don't feel safe in our home. And how can we provide a better treatment to the patient? कि सरकार जो है हमारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें सिक्योरिटी अच्छे से बढ़ाए, जो सिक्योरिटी उसको काफी अभी अंडरस्टाफ्ड रहते हैं, यहाँ पे कहीं भी सिक्योरिटी है ही नहीं, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इसलिए बस हमारी मेन डिमांड यही है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। एक चीज़ देखा गया कि जो बाहर पेशेंट हैं वो परेशान होकर हैं कि आज ओपीडी नहीं चल रहा है, ओटी के डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं, कई लोग बाहर के एम्स में आते हैं इलाज के लिए, उससे लोग परेशान हैं। उसको क्या लगता है आप लोगों को? देखिए मतलब ऐसा है कि जो अभी आपको जैसे पता होगा कि इमरजेंसी सर्विसेज जो भी है वो स्टिल ऑन है, सारी जो वार्ड्स हैं सारे वार्ड्स में अभी भी जो एक आदमी या उसके लिए, तो मैं ऑब्वियसली हम उसके लिए वी आर वेरी स्पीशियस, मतलब ये हमको अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेप है, बट ये लेना पड़ रहा है। बट एवरीबडी प्रेजेंट हियर मोस्ट ऑफ ऑल एंड दोज हु आर देयर इन द हॉस्टल आल्सो डू कैरी आईडी कार्ड्स विद देम, सो हाउ कैन यू इवन टेल दैट वी आर आउटसाइडर्स? We are not elected, we are selected persons. We have passed NEET entrance exam and other state entrance examination, and we have earned this position here. So the allegation that we are outsiders is completely baseless, and it's just a part of the ruthless oppression they are going to tell in order to divert the main attention to things which are other than medical things. This is a completely non-political movement. We just want the CM to take appropriate measures and address the grievances which are being subjected. That's it.
and that our movement is completely have a rational basis, is supported from Tokyo, even from London, and Ames Delhi is shut down also today. So I don't think that calling this outsiders and completely illogical and ridiculous. वेस्ट बंगाल में जैसा कि आपने देखा, तीन चार दिन में इतनी बुरी तरह से डॉक्टर्स को पीटा गया है। एक डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल है आईसीयू में भर्ती है, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। मैं आपको अपनी पीड़ा बताना चाहूँगा। मैं एक मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं भी उसी सोसाइटी से हूँ जहाँ से बाकी लोग आते हैं। मेरे घर में भी माँ बाप, भाई बहन सब लोग हैं। मैं सारे सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है। मैंने अपना पूरा जीवन पेशेंट्स के लिए कुर्बान कर दिया है। इनफैक्ट जितने भी आप डॉक्टर्स मेरे साथ पीछे देख रहे हैं, हम लोगों ने अपना जीवन सारा का सारा पेशेंट्स के नाम कर दिया है। हम आप लोगों के लिए सेवा के लिए हैं। हम लोग आप लोगों से मतलब आप लोगों के लिए जीवित हैं। आप लोगों के लिए हमारा पूरा जन्म समर्पित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें मारेंगे और हम लोग मर जाएंगे। इससे नुकसान हमारा ही नहीं, पूरी सोसाइटी का नुकसान है अगर हम लोग मार खाते हैं। सफदरजंग में इमरजेंसी सर्विसेस बिल्कुल चल रही हैं और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स लोग हैं वो ओपीडी भी रन कर रहे हैं। पेशेंट्स विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। पेशेंट्स को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, हम लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स को कि हाँ, वो आप लोग अकेले नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। और संजीव मानकर हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हम अलग अलग बातें तो डॉक्टर्स की सुन रहे हैं, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, लेकिन आप मौजूद हैं इस वक्त अस्पताल के पास ही। आप बताइए कि ये डॉक्टर्स की पीड़ा रही, लोगों की क्या पीड़ा है इस हड़ताल से? जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं, उनके तीमारदार पहुंच रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए एम्स अस्पताल जहां पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, ये सोच करके कि उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाएगा, पर वो जब दिल्ली पहुंचते हैं और जब यहां अस्पताल के अंदर जाते हैं तो पता चलता है यहां डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे अपने इलाज के लिए आए थे, पर जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एम्स अस्पताल में जो नए मरीज आ रहे हैं उन्हें नहीं देखा जा रहा है, जबकि सामान्य सर्जरी, ओपीडी और लैब का काम पूरी तरह से प्रभावित है। जबकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि उन्हें डॉक्टरों ने आज वक्त दिया था, पर उसके बावजूद भी डॉक्टरों का एक तरफ कहना है कि वो जिन मरीजों को उन्होंने टाइम दिया था शुक्रवार को कि वो आए और अपना अपॉइंटमेंट लेकर के यहाँ पे दिखाए, पर जो मरीज आए हुए भी हैं अपॉइंटमेंट लेके, उन लोगों का भी इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। कुछ एक मरीजों को ही देखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एम्स की जो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है वो चरमरा रही है। आप बताइए कि आप यहाँ पे आज सुबह आए तो क्या हुआ? जब मैं यहाँ सुबह आया तो देखा कि जहाँ पे डेट मिलता है डॉक्टर के पास जाने के लिए वहाँ मतलब कि पूरा खाली था, तो हमने पता किया कि भाई ऐसा क्यों है, तो आज हॉस्पिटल बंद है, पूरा देश का हॉस्पिटल बंद है। और हमारे पेशेंट को इतना दिक्कत है कि चेस्ट में तकलीफ है उनको, और आज डॉक्टर साहब हमारा रिपोर्ट देख के और दवा देते, और मैं जो जाँच कराया हूँ जल्द तो देख सकते हैं। ये जो मरीज है इन्होंने इसे जांच के लिए कहा गया था कि आप जांच की रिपोर्ट लेकर के आइए, उसके बाद आपको दवाई प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो इस परिजन ने बाहर से ही जल्दबाजी के चक्कर में कि जल्दी से डॉक्टर उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे, इसलिए उन्होंने बाहर से भी ये अपना टेस्ट करवाया, पर उसके बाद जो टेस्ट की रिपोर्ट लेके यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टरों का यहाँ पे हड़ताल है। तो फिर से ये कहीं ना कहीं ये आप खुद को परेशानी में महसूस करना चाहते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं झांसी से आया भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार यादव। क्या हुआ आज? मेरे बच्चे को मंगल तारीख को लाया था, 10 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला था, तो 10 को इन्हें देखा, फिर बोले 11 में आइए, तो 11 में आया, 11 में देखा, फिर मुझे बुलाया आज 14 तारीख में बुलाया, तो मैंने भैया मैं होटल भी छोड़े आया, मैं गरीब आदमी अब सीआई से रिटायर हूँ 24 से 5, तो आज मैं इधर आया तो बोले वो हड़ताल है भैया, अब आज तो होगा नहीं कुछ काम, तो हमने भैया यार हम कहें, उस दिन मेरा टिकट कैंसिल हुआ, 50 रुपये मिले मेरे चार जनों। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। आप यहाँ पे आज आए तो क्या आपको सुनने? आज मेरा कोलोनोस्कोपी का डेट था लेकिन बोला कि नहीं डॉक्टर नहीं आज नहीं होगा।
देख सकते हैं कि ये लैब का ये पेशेंट है, ये जांच के लिए आया हुआ था, पर लैब का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, इसलिए इनका आज टेस्ट नहीं हो पाया। आप बताइए कि आप कहाँ से आई हो? हम तो आए हैं गोंडा से। गोंडा से तो आज आप आए, तो यहाँ पे क्या मालूम चला आपको? साहब आज हमारा खून का टेस्ट था, खून का टेस्ट नहीं हुआ और सारे गार्ड ने भगा रहा है सबको, हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहा है कि आज कुछ नहीं होगा, जाओ कल। अंदर में डॉक्टर्स हैं? जी नहीं, कुछ नहीं है, तो सिर्फ गार्ड्स हैं जो आप लोग को, मरीजों को, परिजनों को बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, मरीज भगा रहा है, बोल रहा है कि आज कुछ नहीं होगा, कहाँ मान लो न तो निकल लो, तो सबको हाथ पकड़ पकड़ के भगा रहा है। और देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ जो मरीजों के परिजन हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें यहाँ के जो गार्ड्स हैं बाहर निकाल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आज डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, आज उनका इलाज संजीव, नहीं ये किया क्या जाएगा। सिर्फ आज की स्थिति है, क्या आगे भी ये हड़ताल एम्स में, दिल्ली के अस्पताल में ये मौजूद रहेगी इसी तरह की स्थिति? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल कुछ एसोसिएशन ने ये कहा है कि आज सिर्फ मतलब फौरी तौर पे ये एक हड़ताल था जिसमें कि इमरजेंसी को चालू रखा गया था, ओपीडी को चालू रखा गया था, और जबकि कुछ एक में एसोसिएशन का ये भी कहना है कि कल के डेट यानी कि 15 तारीख को, 15 जून को भी वो हड़ताल पे रहेंगे, और ओपीडी को सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा इसमें, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से डॉक्टरों पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, पहले इस तरह के हमले यदा कदा कहीं पे सुनने को मिलते थे, पर अब ये धीरे धीरे काफी फैलता जा रहा है, कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं होने लगी है, जिसे लेकर के डॉक्टरों में एक खौफ देखा जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम मैं मरीजों को बचाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, जबकि हमारी जान खुद सुरक्षित नहीं है। और जो उनका पक्ष है, एक बार जरा जानिए कि ये लोग क्या सोचते हैं, डॉक्टरों की सुरक्षा भी कितनी जरूरी है। मैं यहाँ पे ही कुछ लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अच्छा बताइए, जिस तरह की बंगाल में घटना हुई है, डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, क्या ये सही है? देखिए, ये तो गलत है, जिस डॉक्टर के साथ जो व्यक्ति छेड़छाड़ किए हैं उस पे जांच होना चाहिए, और जो जिसमें गलत है उनको सजा मिलना चाहिए। एक ओवरऑल मुझे बताइए, जो अफसराहा मरीजों के परिजन जो डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अब ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि डॉक्टर लोग भी लापरवाही करते हैं, इस बात को सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे साथ में भी ये घटना घटा हुआ है। यदि जांच होता तभी पता चलता कि डॉक्टर दोषी है या जनता। देख सकते हैं कि लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि डॉक्टरों की भी कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है। आपसे पूछते हैं कि जिस तरह से जो डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, हम 6 बजे के आए पड़े हैं यहाँ, कोई भी हम भी मेरठ से आए, मोखा से, कोई बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है, अब फिर वो गाँव को जा रहे, बताओ कहाँ से आए। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह डॉक्टरों के साथ जो मारपीट की घटनाएं हो रही है, क्या सही है? सर, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति यहाँ मरीज के साथ या खुद इलाज करवाने आते हैं, वो इलाज करवाने आते हैं, वो लड़ने के लिए नहीं आते हैं, ये कोई लड़ाई का जगह तो है नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ न कुछ वैसा सिचुएशन पैदा होता है, उसके वजह से लड़ाई झगड़ा होता होगा, ये हम कह सकते हैं। हाँ, झगड़ा करना कोई समस्या का सोल्यूशन नहीं है, ये हम एक आम इंसान होकर के कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। आप क्या समझते हो? सर, हम यहाँ रात के 2 बजे के पड़े हुए हैं, 2 दिन हो गए इधर, बहुत दूर से आए मुजफ्फरनगर से, और हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, अभी यहाँ पे हड़ताल चल रही है। बताओ, आप बताइए कि जिस तरह से डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं अब बढ़ते जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना तो गलत है, लेकिन डॉक्टर अपनी जवाबदारी अगर समझे कि ये हर एक के साथ नहीं होता है, डॉक्टर का भी कुछ ऐसा व्यवहार बरताव होना चाहिए जो पेशेंट के साथ में पोलाइटली लैंग्वेज यूज करे। हर एक पेशेंट, हर एक डॉक्टर बराबर नहीं होता है, आदमी कोई कहीं से आता है, मैं भी 7 दिन हो गए घूमते हुए, मुझे भी अपना ट्रीटमेंट कराना है दांतों के लिए, मैं 61 साल उम्र होगी है मेरी, लेकिन मेरे को भी आज तक कोई सुनने वाला नहीं, आज आना कल आना परसों आना नर्सों आना। 17 दिन से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ सर, आज का मेरा अपार्टमेंट डेट दिया हुआ था, कार्ड उड वहाँ जमा किए इंडो में, उसके बाद बोला गया डॉक्टर साहब उठ गए, अब क्या करें। वही होता है, देख सकते हैं कि अलग अलग मरीजों की अलग अलग परेशानी है, पर मुख्य तौर पे इन लोगों ने भी माना है कि जो मरीजों के परिजन है वो मारपीट करने के उद्देश्य से अस्पताल नहीं आते हैं, अपने मरीजों का इलाज करवाने के लिए आते हैं,
पर कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस वहां पे पैदा हो जाते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है। जी चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। और जो बंगाल से शुरू हुई थी हड़ताल, अब दिल्ली, मुंबई, बाकी राज्यों में भी फैल चुकी है। और लोगों की परेशानी क्या है, उनके मुंह से ही आपने सुना है कि दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं। लोग दूर दराज से आए हुए हैं, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे अपने अपॉइंटमेंट का, और आज डेट थी तो पता चला कि डॉक्टर सीट पर ही मौजूद नहीं है। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।